जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आज करंट अफेयर की क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर क्लास में आज हम देखते हैं कुछ GI टैक्स के बारे में जो जम्मू कश्मीर के और बनारस के कुछ चीजों को प्राप्त हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चीजें चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में यह है कि बसोहली पेंटिंग जो जम्मू कश्मीर की है, बनारसी पान, लंगड़ा आम और एक बैगन और एक चावल की प्रजाति को क्या हुआ कि GI टैग जो है वो प्रदान किया गया। ठीक, तो GI टैग क्या होता है? GI टैग होता है एक भौगोलिक संकेतक, जो किसी जगह की कोई वस्तु होती है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसको GI टैग देती है। ठीक है, तो देखते हैं किन किन चीजों को मिला है। तो बसोहली पेंटिंग को मिला है, बनारसी पान को मिला है, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल, इसको क्या है GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक, अब बसोहली पेंटिंग के बारे में देखते हैं। तो बसोहली पेंटिंग जो है वह जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है, कठुआ जिले की प्रसिद्ध पेंटिंग है। दूसरी चीज क्या है, 2020 में ही 9 प्रोडक्ट ऐसे थे कि उनको क्या था GI टैगिंग की जो प्रक्रिया है वो उनपे शुरू हुई थी। ठीक है, तो उसमें से एक बसोहली पेंटिंग है जिसको अब GI टैग क्या है वो मिल गया है। ठीक है, अब ये प्राप्त हो चुका है। ठीक, इसी तरह बनारसी पान है, तो पहले क्या था खैके पान बनारस वाला, अब हो जाएगा खैके पान GI टैग वाला। तो इसका क्या है, इसके स्वाद के लिए और इसमें जो खाद्य सामग्री पड़ती है, जो बहुत सारी चीजें इसको बनाने में प्रयोग की जाती है उसके लिए और इसके बनाने का जो तरीका है उसके तरीके के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो इसको बाकी चीजों, बाकी जो नॉर्मल पान आपको मिलते हैं उससे अलग बनाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसको क्या है GI टैग मिला है। और बनारसी लंगड़ा आम साइज में थोड़ा बड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा उसको, रामनगर बैगन इसको भी, और आदम चीनी चावल, ठीक, इसको जो है अभी हाल ही में क्या है GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक, तो अब इसके हिसाब से अब यूपी में जो GI टैग वाले प्रोडक्ट है उनकी संख्या हो गई है 45। और जो पूर्वांचल वाला एरिया है, मतलब ये बनारस, इलाहाबाद, बस्ती, इधर का जो एरिया है, कुशीनगर, गोरखपुर, ये पूर्वांचल का जो एरिया है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे अब जो संख्या है ये हो गई है अब 22। ठीक है, यहाँ के 22 प्रोडक्ट को जो है वो GI टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, GI टैग के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये पहली बार इंडिया में कब था, 2003 में शुरू किया गया। और जब शुरू किया गया तो सबसे पहला जो उत्पाद था वो था दार्जिलिंग चाय। ठीक, सबसे पहला उत्पाद क्या था, दार्जिलिंग चाय, और इसको क्या मिला था GI टैग। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा यही है कि GI टैग सबसे पहली बार 2003 में दिया गया और सबसे पहला उत्पाद कौन सा था, दार्जिलिंग चाय। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।